बाल दोस्तों, हम सीखो काव्य के अंतर्गत अभ्यास देखेंगे। किताब में पन्ना नंबर 72 पर हम देखेंगे अभ्यास पढ़िए और बोलिए। तो यहाँ कुछ शब्द आपके किताब में, हिंदी की किताब आप साथ में रखनी है और साथ में पढ़ना है। पहला है हंसना, तो हमें ये शब्द आपको साथ में उच्चार करना है। हंसना, देखो ये चंद्र बिंदी है इसलिए हंसना नहीं लेकिन हंसना। यहाँ भौरा, हाँ दो मात्राएँ हो और साथ में बिंदी भी है, तो इस प्रकार से हमें याद भी रखना है और साथ में बोलना है भौरा, भौरा नहीं पर भौरा। स्वदेश, स क्या है, जोड़ाक्षर है यहाँ, तो स और व को जोड़ दिया गया है तो स्वदेश। हाँ कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, स्वदेश, लेकिन स्वदेश नहीं है, ये क्या है, स्वदेश। यहाँ तड़प कर, यहाँ तड़ जो है उसका उच्चारण सही करना है, क्योंकि यहाँ नुक्ता, नीचे जो अक्षर के नीचे बिंदी लगाई जाती है उसे नुक्ता कहते हैं, तो उसका कुछ उच्चारण में स्थान होता है, इसीलिए यहाँ हमें सही उच्चार करना है। तड़प कर, अंधेरा, यहाँ चंद्र बिंदी है और मात्र है ते पर और रा है, तो अंधेरा, थोड़ी अनुनासिक ध्वनि निकलेगी, नाक से निकलेगी, अंधेरा। यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी नहीं पर पृथ्वी, क्योंकि ये र का रेफ है तो इसलिए र का थोड़ा सा हल्का सा उच्चार आना चाहिए, पृथ्वी, तो पृथ्वी ऐसा उच्चारण हम करेंगे। धुआं, थोड़ा अनुनासिक है, देखो चंद्र बिंदी है तो धुआं आ होगा यहाँ, तो धुआं, आ को थोड़ा हाँ उसका दीर्घ रूप लेना है। ऊंचा, ऊ चंद्र बिंदी है और बड़ा वाला ऊ है तो ऊंचा ऐसा बोलना है, ऊंचा नहीं लेकिन ऊंचा, इस तरह से हमें उच्चार करना है।